स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुता पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे हरे। तो आज हम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण महात्म्य का चतुर्थ अध्याय पढ़ने वाले हैं। इसका शीर्षक है चैत्र मास में रामायण के पठन और श्रवण का महात्म्य, कलिक नामक व्याध और उत्तंक मुनि की कथा। तो बहुत सुंदर ये प्रसंग है जहां पर और एक अति पापी व्यक्ति या महापापी व्यक्ति का परिवर्तन होता है भगवान की रामायण कथा सुनने के माध्यम से। नारद जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं रामायण के पाठ और श्रवण के लिए उपयोगी दूसरे मास का वर्णन करता हूं, एकाग्र चित्त होकर सुनो। रामायण का महात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाला, पुण्य जनक तथा संपूर्ण दुखों का निवारण करने वाला है। वह ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा स्त्री, इन सब को समस्त मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। उससे सब प्रकार के व्रतों का फल भी प्राप्त होता है। वह दुःस्वप्न का नाशक, धन की प्राप्ति कराने वाला तथा भोग और मोक्षरूप फल देने वाला है। अतः उसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। यहाँ पर आज मैं फिर से ये बताना चाहूंगा कि जब भी हम वेद शास्त्र पढ़ते हैं और उनके फलश्रुति में धर्म अर्थ काम मोक्ष का गुणगान सुनते हैं, तो इससे हमें विचलित नहीं होना चाहिए या भ्रमित नहीं होना चाहिए। वेद शास्त्र सुनने की विधि ये हर भक्त के लिए या हर व्यक्ति के लिए एक बहुत बहुत निर्णायक कार्य है, क्योंकि वेद शास्त्र का पठन या श्रवण के माध्यम से वह व्यक्ति अपनी श्रद्धा का भगवान के प्रति प्रदर्शन करता है। इसलिए अकामो सर्व कामो वा, जैसे दो दिन पहले हमने चर्चा की थी कि किसी के मन में केवल भगवान की शुद्ध भक्ति करनी हो या किसी के जीवन में प्रवृत्ति मार्ग के प्रति आकर्षण हो, तो प्रवृत्ति मार्ग यानी वो वर्णाश्रम के चारों वर्णों में प्रवेश करना चाहता है, जैसे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और फिर गृहस्थ जीवन में एक व्यक्ति को
अपने भक्ति में जीवन के साथ साथ अन्य सारी जरूरतें भी रहती हैं, मगर ये भी शुद्ध भक्ति हो सकती है। मगर ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अपने जीवन में केवल धर्म के कार्य को प्राधान्यता देना चाहते हैं, उसके बाद ही धन प्राप्त करेंगे, उसके बाद ही इंद्रिय तृप्ति करेंगे और उसके बाद मोक्ष के लिए जाएंगे। आज की तारीख में अगर हम अपने आजू बाजू देखें तो ये सब कुछ दिखता ही नहीं है। अभी सभी लोग आज की तारीख में विकर्म में लगे हैं, केवल अपने शरीर के भोग भोगने के लिए हर कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है। मगर वैदिक सभ्यता में चाहे इंद्रिय तृप्ति भी क्यों ना लक्ष्य हो, धर्म के पालन से ही हर कोई करता था। तो यहाँ पर जो कुछ हमने अभी वर्णन सुना, जो नारद मुनि रामायण के बारे में कहते हैं, इसका तात्पर्य यह है कि वैदिक शास्त्र हमें क्रमशः क्रम से इंद्रिय तृप्ति से शुरू होके भगवान की शुद्धि भक्ति तक पहुंचाते हैं। प्राचीन कलयुग में एक कलिक नाम वाला व्याध रहता था। व्याध यानी शिकारी। वह सदा पराई स्त्री और पराए धन के अपहरण में ही लगा रहता था। दूसरों की निंदा करना यह उसका नित्य कार्य था। वह सदा सभी जंतुओं को पीड़ा दिया करता था। उसने कितने ही ब्राह्मणों तथा सैकड़ों हजारों गौओं की हत्या कर डाली थी। उसके पापों की गणना करोड़ों वर्षों में भी नहीं की जा सकती। एक समय वह महापापी व्याध, जो जीव जंतुओं के लिए यमराज के समान भयंकर था, सौवीर नगर में गया। यह नगर सब प्रकार के वैभव से संपन्न, वस्त्र आभूषणों से विभूषित युवतियों द्वारा सुशोभित, स्वच्छ जल वाले सरोवरों से अलंकृत तथा भांति भांति की दुकानों से सुसज्जित था। देवनगर के समान उसकी शोभा हो रही थी। व्याध उस नगर में गया। सववीर नगर के उपवन में भगवान केशव का बड़ा सुंदर मंदिर था, जो सोने के अनेकानेक कलशों से ढका हुआ था। उसे देखकर व्याध को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने यह निश्चय कर लिया कि मैं यहां से बहुत सा सुवर्ण चुरा कर ले चलूंगा। ऐसा निश्चय करके वह व्याध श्री राम के मंदिर में गया। वहां उसने शांत तत्वार्थ वेत्ता और भगवान की आराधना में तत्पर उत्तंक मुनि का दर्शन किया, जो तपस्या की निधि थे। वे अकेले ही रहते थे। उनके हृदय में सबके प्रति दया भरी थी। वे सब ओर से निस्पृह थे। उनके मन में केवल भगवान के ध्यान का ही लोभ बना रहता था। उन्हें वहां उपस्थित देख व्याध ने उनको चोरी में विघ्न डालने वाला समझा। तदनंतर जब आधी रात हुई, तब वह देवता संबंधी द्रव्य समूह लेकर चला। उस मदोन्मत्त व्याध ने उत्तंक मुनि की छाती को अपने एक पैर से दबाकर हाथ से उनका गला पकड़ लिया और तलवार उठाकर उन्हें मार डालने का उपक्रम किया। उत्तंक ने देखा व्याध मुझे मार डालना चाहता है, तो वे उसे इस प्रकार बोले, ओ भले मानुष, तुम व्यर्थ ही मुझे मारना चाहते हो, मैं तो सर्वथा निरपराध हूं। लुब्धक यानी लोभी, बताओ तो सही, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है? अभी आपको अगर आप स्मरण करेंगे, जब कंस देवकी की हत्या करना चाहता है, तो कंस और वसुदेव के बीच में जैसा संवाद है, वैसा ही संवाद यहाँ पर कुछ हम सुनेंगे। उत्तंक ऋषि कहते हैं, संसार में लोग अपराधी की ही प्रयत्न पूर्वक हिंसा करते हैं। सौम्य सज्जन निरपराध की व्यर्थ हिंसा नहीं करते हैं।
तो आप देखिए ये साधु का लक्षण है। साधु पुरुष अगर उनके सामने कोई शिकारी आए, कोई चरित्रहीन दुष्ट आए, कोई हिंसाचारी भी क्यों ना आए, मगर साधु पुरुष अपनी सहन शक्ति से, अपने भगवान की शरणागत शुद्ध भक्ति से उस व्यक्ति के अंदर भी अच्छे गुण देखते हैं। यही यहां पर वर्णन आ रहा है, शांत चित्त साधु पुरुष अपने विरोधी तथा मूर्ख मनुष्यों में भी सद्गुणों की स्थिति देखकर उनके साथ विरोध नहीं रखते हैं। कितना बड़ा पॉइंट है ना, कितना महत्वपूर्ण बात है कि हमने विरोध रखने की एक भक्त के लिए कौन सी सीमा है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ये प्रभु जी जो कह रहे हैं ये हमें अच्छा नहीं लगता, या ये माता जी जो बता रहे वो हमें ठीक नहीं लगता, है कि नहीं, या मंदिर के व्यवस्थापन में एक समय पे प्रसाद मिलता है तो एक समय पे प्रसाद मिलता नहीं है। तो बहुत बार आप देखेंगे कि हमारे भक्तिमय जीवन में कुछ छोटे छोटे कारणों के कारण हम भक्ति या भक्तों के साथ मौन मुटाव कर लेते हैं। कभी कभी कुछ लोग भक्तों से दूर रहकर अकेले ही भक्ति करने का प्रयास करते हैं, या कभी कभी लोग भक्ति ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर उत्तंक मुनि की हत्या करने वाला हत्यारा आया है और उसने उनका गला पकड़कर नंगी तलवार सामने खड़ी की है और अभी वो उनका वध करने ही वाला है। ऐसे स्थिति में भी उत्तंक ऋषि उसकी निंदा नहीं कर रहे है, उसको दोष नहीं दे रहे है, उसे पापी नहीं कह रहे, तो उसे वो क्या कह रहे हैं, अरे आप तो सज्जन है, आप तो सौम्य है। इसका अर्थ क्या निकला कि जब हम अपने हरे कृष्ण महामंत्र का जप बड़ी श्रद्धा के साथ करेंगे, शास्त्रों का पठन करेंगे और भक्ति के 64 अंगों का नियमित रूप से कठोरता से पालन करेंगे, तो हम जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तृणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। ये तत्वों का अपने जीवन में पालन करेंगे। तृणादपि यानी घास के भी तिनके से ज्यादा नम्र रहेंगे। अभी घास के तिनके के ऊपर कितने सारे लोग चलते हैं, कभी घास का तिनका उनसे लड़ाई नहीं करता है, मगर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हमें घास के तिनके से भी नम्र रहना है। और तरोरपि सहिष्णुना, हमें पेड़ से भी ज्यादा सहनशील रहना है। अभी आप बोल रहे होंगे, शायद आप में से बहुत सारे भक्त बहुत वर्षों से भक्ति कर रहे हैं, आप कह रहे होंगे प्रभु जी ये तो श्लोक हमने हजारों लाखों बार सुना है, इसमें कौन सी नई बात है। तो ये बड़ी मजे की बात है या दुर्भाग्य की बात है कि कभी कभी केवल 8, 10, 15, 20 साल भक्ति कर लेने से हमें लगता है कि हमने भक्ति में बहुत प्रगति कर ली, मगर भक्ति में सही में प्रगति कब होगी? भक्ति में प्रगति तब होगी जो हम जो कुछ शास्त्र पढ़ रहे हैं उसे हमने अपने जीवन में ढाला है, उन शिक्षाओं को हम अपने जीवन में पालन कर रहे हैं। केवल वो कितना बार सुना या कितना बार प्रवचन में बोला, इससे अर्थ नहीं निकलता कि हमने वो भक्ति के साक्षात्कार को स्वीकार कर लिया है। तो फिर उत्तंक ऋषि आगे कहते हैं, जो मनुष्य बारंबार दूसरों की गाली सुनकर भी क्षमाशील बना रहता है वह उत्तम कहलाता है, उसे भगवान विष्णु का अत्यंत प्रियजन बताया गया है। दूसरों के हित साधन में लगे रहने वाले साधु जन किसी के द्वारा अपने विनाश का समय उपस्थित होने पर भी उसके साथ वैर नहीं करते। और उदाहरण बड़ा सुंदर देते हैं, चंदन का वृक्ष अपने को काटने पर भी जो कुठार है या जो क्या बोलेंगे जो काटने वाला है उसके उसकी जो वो कुठार है उसकी धार को वो सुवासित करता है।
अहो, विधाता बड़ा बलवान है। वह लोगों को नाना प्रकार से कष्ट देता रहता है। जो सब प्रकार के संग से रहित है, उसे भी दुरात्मा मनुष्य सताया करते हैं। अहो, दुष्ट जन इस संसार में बहुत से जीवों को बिना किसी अपराध के ही पीड़ा देते हैं। मल्लाह मछलियों के को, चुगलखोर सज्जनों के और शिकारी मृगों के इस जगत में कारण वैरी होते हैं। अहो, माया बड़ी प्रबल है। यह संपूर्ण जगत को मोह में डाल देती है तथा स्त्री पुत्र और मित्र आदि के द्वारा सबको सब प्रकार के दुखों से संयुक्त कर देती है। मनुष्य पराय धन का अपहरण करके अपनी स्त्री आदि का पोषण करता है। वह मनुष्य किस काम का, क्योंकि अंत में उन सबको छोड़कर वह अकेला ही परलोकी राह लेता है। मेरी माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र तथा मेरा यह घर बार, इस प्रकार ममता व्यर्थ ही प्राणियों को कष्ट देती रहती है। मनुष्य जब तक कमाकर धन देता है, तभी तक लोग उसके भाई बंधु बने रहते हैं और उसके कमाए हुए धन को सारे बंधु बांधव सदा भोगते रहते हैं। किंतु मूर्ख मनुष्य अपने किए हुए पाप के फल रूप दुख को अकेला ही भोगता है। अभी देखिए, ये विशेषता है कि वो जो शिकारी था, वो शिकारी उन साधु को अपना शत्रु समझकर उनकी हत्या करने वाला था। मगर जब उत्तंक ऋषि इस प्रकार से उस कलिक शिकारी को शास्त्र का शिक्षा देते हैं, तो उसे बहुत दुख होगा। और श्लोक आता है, इति ब्रुवाणम तम ऋषिम विमृश्य भय विह्वल कलिक प्रांजलि प्राह शमस्वेति पुनः पुनः। उत्तंक मुनि जब इस प्रकार से कह रहे थे, तब उनकी बातों पर विचार करके कलिक नाम शिकारी भय से व्याकुल होता और हाथ जोड़कर बारंबार कहने लगा, प्रभो, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। तो ये विशेषता है। देखिए, ये कलिक ऋषि ने तो कुछ ऐसा प्लान नहीं किया था कि रामनवमी आने वाली है, थोड़ा रामायण का राम कथा सुनेंगे, है कि नहीं। वो तो अपने पाप कार्यों में लिप्त था और पाप कार्य करने के लिए ही राम मंदिर तक चला गया था। मगर वहां पे भगवान का शुद्ध भक्त, भगवान के शुद्ध भक्त उनको मिले और उनके जीवन में परिवर्तन आ गया। तो ये है भक्ति का महात्म्य। एक बार मैंने अपने श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र मंदिर में एक श्लोक लिया था, साधु संग साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए। उसमें मुझे यही बताना था कि किस प्रकार से वशिष्ठ ऋषि के संग में विश्वामित्र ऋषि आते हैं, तो उस समय वो विश्वामित्र राजा रहते हैं और उनकी इच्छा नहीं रहती कि यहाँ पर जाकर मुझे कुछ भक्ति करनी है। उनको तो प्यास लगी है, इसलिए पानी मांगने के लिए उधर जाते हैं। मगर फिर उनका एक दूसरे के साथ जो वार्तालाप होता है, फिर वशिष्ठ ऋषि वो विश्वामित्र राजा और उनके हजारों सैनिक, ये सभी को बहुत अच्छा पकवान खिलाते हैं। मगर उससे विश्वामित्र राजा के मन में ईर्ष्या उत्पन्न होती है और उनकी कामधेनु का वो अपहरण करना चाहते हैं। तो इतना बड़ा प्रसंग है, मगर आप देखेंगे उस घटना के द्वारा विश्वामित्र ऋषि के मन में वशिष्ठ ऋषि के प्रति ईर्ष्या का बीच उत्पन्न हुआ। ईर्ष्या का बीज उत्पन्न हुआ। हालांकि ईर्ष्या का बीज उत्पन्न हुआ, मगर उस ईर्ष्या के कारण उन्होंने जो स्पर्धा की और उन्होंने सोचा कि मुझे भी वशिष्ठ ऋषि जैसा पावरफुल बनना है, तो वो करने के प्रयास में उनको पता नहीं चल गया। मगर हजारों वर्षों के बाद वो कौन बनते हैं? वो स्वयं
ब्रह्मर्षि बनते हैं, और जब वो ब्रह्मर्षि बनते हैं तब उनको पता चलता है कि अरे व्यर्थ में ही मैंने भगवान के शुद्ध भक्त के प्रति ईर्ष्या की। तो कहने का तात्पर्य है कि हमने हमेशा साधु संघ ऐसा ही समझना नहीं चाहिए कि हम जब कथा सुनने को बैठे हैं, प्रवचन सुनने को बैठे हैं, वही साधु संघ है। मगर साधु संघ कभी कभी हमें पता भी नहीं चलेगा कि कोई व्यक्ति किसी अपने काम के लिए किसी भक्त के पास आता है, तो भक्त ने ये अपनी करुणा वायरस उनको देना चाहिए। कोरोना वायरस से सब लोग परेशान है, मगर भक्त अपना करुणा वायरस दे सकता है कि नहीं? भगवान की जो करुणा है उस व्यक्ति को प्रसाद के माध्यम से या भगवान के फोटो के माध्यम से या अपने मंदिर में अगर कोई उत्सव है तो उसका उन्हें इनविटेशन दे सकते हैं, उनको बुला सकते हैं। इस प्रकार से भक्त हमेशा उत्साही रहते हैं कि उनके संपर्क में चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो आपके कंपनी में काम करने वाला व्यक्ति हो, आपके घर में साफ सफाई करने वाली बाई हो, चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, हमने हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए कि इस व्यक्ति को इसको क्या क्या अच्छा लगता है भक्ति के संबंध में, वो चीज उसे दे देकर उसकी भक्ति की सुकृति बढ़ानी चाहिए। और फिर कलिक शिकारी कहने लगते हैं, उन महात्मा के संग के प्रभाव से तथा भगवान का सानिध्य मिल जाने से उस शिकारी के सारे पाप नष्ट हो गए तथा उसके मन में निश्चय ही बड़ा पश्चाताप होने लगा। वह बोला, विप्रवर, मैंने जीवन में बहुत से बड़े बड़े पाप किए हैं, किंतु वे सब आपके दर्शन मात्र से नष्ट हो गए। प्रभो, मेरी बुद्धि सदा पाप में ही डूबी रहती थी, मैंने निरंतर बड़े बड़े पापों का ही आचरण किया है, उनसे मेरा उद्धार किस प्रकार होगा, मैं किसकी शरण में जाऊं? पूर्व जन्म के किए हुए पापों के फलों से मुझे शिकारी होना पड़ा है, यहां भी मैंने पापों का ही जाल बटोरा है, ये पाप करके मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा? ये सुनने के बाद ब्रह्मर्षि उत्तंक उनको बोले, महामते शिकारी, आप धन्य हैं, धन्य हैं, तुम्हारी बुद्धि बड़ी निर्मल और उज्जवल है, क्योंकि तुम संसार संबंधी दुखों के नाश का उपाय जानना चाहते हो। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में तुम्हें भक्ति भाव से आदर पूर्वक रामायण की नवाह कथा सुननी चाहिए, यानी नौ दिन कथा सुननी चाहिए। उसके श्रवण मात्र से मनुष्य समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। उस समय कलिक व्याध के सारे पाप नष्ट हो गए, वह रामायण की कथा सुनकर तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गया। रामायण की कथा सुनकर निष्पाप हुआ व्याध दिव्य विमान पर आरूढ़ हो उत्तंक मुनि से इस प्रकार बोला, विद्वन, आपके प्रसाद से मैं महापातकों के संकट से मुक्त हो गया, अतः मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, मैंने जो किया है मेरे उस अपराध को आप क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर कलिक ने मुनि श्रेष्ठ उत्तंक पर देव कुसुमों की वर्षा की, यानी दिव्य पुष्पों की वर्षा की, और तीन बार उनकी परिक्रमा करके उन्हें बारंबार नमस्कार किया। तत्पश्चात कलिक शिकारी एक विशेष विमान पर आरूढ़ होकर श्री हरि के परम धाम जा पहुंचा। तो नारद मुनि अंत में यहां पर कहते हैं, सनत कुमार यत् पृष्टम तत् सर्वं गदितं मया, रामायणस्य महात्म्यं किम् अन्यत् श्रोतुमिच्छसि। वो कहते हैं, सनत कुमार, तुमने जो रामायण का महात्म्य पूछा था वह सब मैंने बता दिया, अब और क्या सुनना चाहते हो? रामायण महात्म्य का पांचवा अध्याय, रामायण के नवाह श्रवण की विधि, महिमा
तथा फल का वर्णन। तो ये रामायण आप देखेंगे काव्य शिरोमणि है। रामायण के एक एक श्लोक की रचना इतनी सुंदर है कि उसका कुछ हम तुलना ही नहीं कर सकते। ये दो तीन श्लोक इस रामायण के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। ये पांचवें अध्याय में आता है। नास्ति गंगा समम तीर्थम, नास्ति मातृ समो गुरु, नास्ति विष्णु समो देवो, नास्ति रामायणात् परम। अनुवाद है, गंगा के समान तीर्थ, माता के तुल्य गुरु, भगवान विष्णु के सदृश देवता तथा रामायण से बढ़कर कोई उत्तम वस्तु नहीं है। तो ये श्लोकों का थोड़ा चर्चा करेंगे। यहां पर कहा गया है कि माता के तुल्य दूसरा कोई गुरु नहीं है, तो इसमें माता का गुणगान भी आ रहा है। और इसमें एक स्त्री को जब वो माता होती है तो उसे कितनी बड़ी जिम्मेदारी अपने जीवन में निभानी है ये भी हमें पता चलता है। अगर आप आपके अपने जीवन में थोड़ा झांक कर देखेंगे तो आपको याद आएगा कि आप जिस प्रकार से बात करते हैं, जिस प्रकार से लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, इसमें ज्यादातर संस्कार हमारे ऊपर हमारे माता के होते हैं। आजकल की बात अलग है, यहाँ पर स्त्रियां भी कंपनी में जॉब करती हैं, मगर जब हम बच्चे थे तो हम देखते हैं हमारी माँ पूरा दिन घर में ही रहती थी। तो माँ के साथ पूरा दिन जब स्कूल से आ जाए तो जो भी बाकी दिन है या सुबह का समय है, हमने सबसे ज्यादा समय हमारी माँ के साथ बिताया है। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारी माँ उनको जो अच्छा लगता था, जो उनकी श्रद्धा थी, या ऐसा कहीं किसी के बारे में कहना नहीं चाहिए, मगर हमारी माँ में अगर कुछ गलत गुण थे कि वो स्वभाव में कठोर थे या जो भी है, तो जो भी अच्छा बुरा हमारा होता है एक व्यक्तिमत्व, आप देखेंगे ज्यादातर उसमें माता का बड़ा योगदान होता है। तो ये माता की महानता है कि माता के समान दूसरा कोई गुरु नहीं है, मगर उसके साथ साथ माता होने के नाते ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है कि हमें अपने पुत्र या पुत्रियों के ऊपर भक्ति के संस्कार देने की कितनी बड़ी जिम्मेदारी है इस प्रकार से। और ये जिम्मेदारी केवल माता अपने बच्चों को बताकर या प्रवचन देकर ही पूरी नहीं कर सकती, मगर ऐसा कहा जाता है that more things are caught than taught। इसका अर्थ ये है कि हमारे बच्चे ज्यादातर हम जो उनको बताते हैं वो नहीं सीखते, मगर जो हम आचरण में लाते हैं, जिस प्रकार से हम लोगों से बात करते हैं, वो सब अपने बच्चे बड़े ध्यान से देखते रहते हैं और वो भी वैसे बनते हैं। दूसरा श्लोक है, नास्ति वेद समम शास्त्रम, नास्ति शांति समम सुखम, नास्ति शांति परम ज्योतिर, नास्ति रामायणात् परम। वेद के समान शास्त्र, शांति के समान सुख, शांति से बढ़कर ज्योति तथा रामायण से उत्कृष्ट कोई काव्य नहीं है। तो ये देखिए, यहाँ पे वेदों का उन्होंने गुणगान किया है और शांति का उन्होंने गुणगान किया है, मगर एक भक्त के लिए शांति क्या है ये भगवान कृष्ण हमें भगवत गीता में बताते हैं। भुक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो एक भक्त के लिए शांति क्या है, एक भक्त के लिए शांति है कि ये जानते हुए कि सभी चीजों के परम श्रेष्ठ भोक्ता भगवान कृष्ण है और वही सभी वस्तुओं के, सभी लोकों के स्वामी है। मगर इतने ही नहीं, हालांकि वो भोक्ता भी है और स्वामी भी है, मगर वो ईर्ष्यालु या स्वार्थी नहीं है। वे कैसे है, सुहृदम सर्वभूतानां, वो हम में से हरेक का हित चिंतने वाले हैं।
तीसरा श्लोक है, नास्ति क्षमा समम सारम, नास्ति कीर्ति समम धनम, नास्ति ज्ञान समो लाभो, नास्ति रामायणात्परम। क्षमा के सदृश बल, कीर्ति के समान धन, ज्ञान के सदृश लाभ तथा रामायण से बढ़कर कोई उत्तम ग्रंथ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, उन्होंने कहा है कि क्षमा से बढ़कर कोई दूसरा बल नहीं है। तो इसीलिए चाहे हमारे परिवार में हो, चाहे आप आपके कंपनी में हो, कोई भी परिस्थिति में अगर किसी के साथ कुछ झगड़ा हो जाए या कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाए या कुछ ऐसे विषय हो जाए जहां पर दूसरा व्यक्ति हमारे सुनने की मनस्थिति में नहीं है और अपराधी भावना लेकर हमसे बर्ताव कर रहा है, तो उस समय सबसे अच्छा कार्य है कि हमने उस व्यक्ति को माफ करना चाहिए। और यहाँ पर वो बोलते हैं, क्षमा से बढ़कर दूसरा कोई बल नहीं है, माफ करना ये कमजोरी नहीं है। दुर्भाग्य की बात है, आजकल लोग इसमें ज्यादा विश्वास रखते हैं कि आप कितने डिसरिस्पेक्टफुल है कि नहीं। जो व्यक्ति जितना घमंडी होगा और बोलेगा मैं ही सबसे बुद्धिमान हूँ और मेरे जैसा कोई अच्छा निपुण नहीं है, मुझे ही सब कौशल्य आते हैं, सभी काम मैं ही अच्छे कर सकता हूँ, ऐसे लोगों को आजकल आत्मविश्वासु कहा गया है, ये बड़े बुरे दिन। तो क्षमा करना ये कमजोरी नहीं मगर ये बल है। और आप देखिए, यही उदाहरण हमने पिछले अध्याय में सीखा कि जब उत्तंक मुनि ने वो शिकारी को माफ कर दिया तो उससे क्या हुआ, वो शिकारी के जीवन में परिवर्तन हो गया और वो शिकारी भगवान की कथा सुनने के लिए तैयार हो गया। दूसरा ये बोल रहे हैं कि कीर्ति के समान बड़ा धन नहीं है, इसका अर्थ क्या, हमारी इसका अर्थ है कि इसका अर्थ यह है कि कीर्ति सबसे बड़ा धन है। तो ठीक है, हम में से कोई सोच सकता है कीर्ति यानी कौन सी कीर्ति, मुझे कितना सैलरी मिल रहा है, मेरा घर कितना बड़ा है, मेरे घर में कितनी वस्तुएं हैं, भक्तों के समाज में मैं कितना बड़ा सेवा कर रहा हूं। तो इस प्रकार से जब कोई सोचता है कि मुझे क्या क्या मिल रहा है सामाजिक स्तर पर, तो उसे लोग कीर्ति समझते हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि जब हम भक्ति में भी लग जाते हैं तो बहुत बार हम इसी आधार पर भक्तों के साथ संबंध जोड़ते हैं, है कि नहीं, अरे वो उनका कितना प्रॉपर्टी है। जिस प्रकार से लोग विवाह के समय पति और पत्नी जो होने वाले हैं वो एक दूसरे का चयन करते हैं, वही भाव कभी कभी भक्तों के समाज में भी दिखाई देता है कि आपने कितना पढ़ाई किया है, फिर आप कौन से कंपनी में जॉब करते हैं या इस्कॉन में उसे सेवा करते हैं, है कि नहीं, क्या आप इस्कॉन के अध्यक्ष हैं तो ही हम आपको दंडवत करेंगे, है कि नहीं। ये दुर्भाग्य की बात है कि जो जातीयता हम जन्म लेकर इस समाज में लेके आए उसी जातीयता को हम भक्ति में भी आने के बाद अपनाते हैं और बहुत बार कितने सारे भक्तों को हम अपराध कर देते हैं। ये देखिए, भगवान की आंखों में कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, और यही आपको पता है में जब वो गिलहरी छोटे छोटे रेत के दाने लेके आती है और हनुमान जी उनको बोलते हैं कि साइड प्लीज, है कि नहीं, थोड़ा बाजू हटो, तो भगवान बोलते हैं हनुमान जी जितना सेवा आप मेरे लिए करके मुझे आनंद दे रहे हैं उतना ही आनंद मुझे ये गिलहरी दे रही है। तो ये हमें समझना बड़ा आवश्यक है, केवल प्रवचन देने के लिए नहीं या केवल प्रवचन में सुनने के लिए नहीं,
मगर हमारे रोज के जीवन में आचरण के लिए कि हम भक्तों के समाज में ऐसे धन संपत्ति प्रसिद्धि या कुशलता ऐसी जातीयता का टोपी पहन के ना घूमें, उससे हम नम्र नहीं बन सकेंगे, उससे हम निस्वार्थी नहीं बन सकेंगे, उससे हम शारीरिक चेतना से उबर नहीं सकेंगे। फिर वहां पर वर्णन आता है, जैसा हम लोग हरेर नाम का सुना है वैसा राम नाम का भी रामायण में है। राम नामैव 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 मम जीवनम् कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। वो कह रहे हैं कि केवल श्री राम नाम ही मेरा जीवन है और कलयुग में दूसरे किसी उपाय से जीवों की सदगति नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। फिर दूसरा और श्लोक है, थोड़ा रामायण महात्म्य का ही गुणगान कर रहे हैं हम लोग। श्री राम सर्वदेवमय माने गए हैं, वे आर्त प्राणियों की पीड़ा का नाश करने वाले हैं तथा श्रेष्ठ भक्तों पर सदा ही स्नेह रखते हैं। वे भगवान भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, दूसरे किसी उपाय से नहीं। चैत्र माघ तथा कार्तिक में रामायण की अमृतमयी कथा का नवाह पारायण सुनना चाहिए, यानी 9 दिनों की कथा सुननी चाहिए। जो एकाग्र चित्त होकर रामायण को सुनता अथवा पढ़ता है वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। श्री रामायण महात्म्य की जय। तो हम अभी श्रीमद् वाल्मीकि रामायण को यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं। तो ये जो सबसे पहला कांड है उसका नाम है बाल कांड, और उसका जो पहला इन्होंने अध्याय को सर्ग कहा है। तो पहला अध्याय या प्रथम सर्ग, नारद जी का वाल्मीकि मुनि को संक्षिप्त से श्री रामचरित्र सुनाना। तो ये हम अभी पूरा रामायण इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में जय, अमेजिंग, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। तपस्वी वाल्मीकि जी ने तपस्या और स्वाध्याय में लगे हुए विद्वानों में श्रेष्ठ मुनिवर नारद जी से पूछा। तो वाल्मीकि यहाँ पर नारद मुनि को पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? मुने, इस समय इस संसार में गुणवान, वीर्यवान, धर्मज्ञ, उपकार मानने वाला, सत्यवक्ता और दृढ़ प्रतिज्ञ कौन है? सदाचार से युक्त समस्त प्राणियों का हित साधक विद्वान, सामर्थ्यशाली और एकमात्र प्रिय दर्शन यानी सुंदर पुरुष कौन है? मन पर अधिकार रखने वाला, क्रोध को जीतने वाला, कांतिमान और किसी की भी निंदा नहीं करने वाला कौन है? तथा संग्राम में कुपित होने पर किससे देवता भी डरते हैं? महर्षे, मैं यह सुनना चाहता हूं, इसके लिए मुझे बड़ी उत्सुकता है और आप ऐसे पुरुष को जानने में समर्थ है। महर्षि वाल्मीकि के इस वचन को सुनकर तीनों लोगों का ज्ञान रखने वाले नारद जी ने उन्हें संबोधित करके कहा, अच्छा सुनिए। और फिर प्रसन्नता पूर्वक बोले, मुने, आपने जिन बहुत से दुर्लभ गुणों का वर्णन किया है उनसे युक्त पुरुष को मैं विचार करके कहता हूं। इक्ष्वाकु के वंश में उत्पन्न हुए एक ऐसे पुरुष है जो लोगों में
राम नाम से विख्यात है। वे ही मन को वश में रखने वाले महाबलवान, कांतिमान, धैर्यवान और जितेंद्रिय है। वे बुद्धिमान, नीतिज्ञ, वक्ता, शोभायमान तथा शत्रु संहारक है। उनके कंधे मोटे और भुजाएं बड़ी बड़ी है। ग्रीवा यानी गला शंख के समान और ठोड़ी यानी इंग्लिश में इसे चिन कहते हैं और मराठी में इसे हनुटी कहते हैं, और ठोड़ी मांसल है। उनकी छाती चौड़ी तथा धनुष बड़ा है। गले के नीचे की हड्डी मांस से छिपी हुई है। वे शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। भुजाएं घुटने तक लंबी है। मस्तक सुंदर है। ललाट यानी फोरहेड कपाल, ललाट भव्य और चाल मनोहर है। उनका शरीर अधिक ऊंचा या नाटा न होकर मध्यम और सुडोल है। देह का रंग चिकना है। वे बड़े प्रतापी है। उनका वक्षस्थल यानी छाती भरा हुआ है। आंखें बड़ी बड़ी है। वे शोभायमान और शुभ लक्षणों से संपन्न है। धर्म के ज्ञाता, सत्य प्रतिज्ञ तथा प्रजा के हित साधन में लगे रहने वाले हैं। वे यशस्वी, ज्ञानी, पवित्र, जितेंद्रिय और मन को एकाग्र रखने वाले हैं। प्रजापति के समान पालक, श्री संपन्न, वैरी विध्वंसक और जीवो तथा धर्म के रक्षक है। स्वधर्म और स्वजनों के पालक, वेद वेदांगों के तत्ववेत्ता तथा धनुर्वेद में प्रवीण है। वे अखिल शास्त्रों के तत्वज्ञ, स्मरण शक्ति से युक्त और प्रतिभा संपन्न है। अच्छे विचार और उदार हृदय वाले वे श्री रामचंद्र जी बातचीत करने में चतुर तथा समस्त लोगों के प्रिय है। जैसे नदियां समुद्र में मिलती है, उसी प्रकार सदा राम से साधु पुरुष मिलते रहते हैं। वे आर्य एवं सब में समान भाव रखने वाले हैं। उनका दर्शन सदा ही प्रिय मालूम होता है। संपूर्ण गुणों से युक्त वे श्री रामचंद्र जी अपनी माता कौसल्या के आनंद को बढ़ाने वाले हैं। गंभीरता में समुद्र और धैर्य में हिमालय के समान है। वे विष्णु भगवान के समान बलवान है। उनका दर्शन चंद्रमा के समान मनोहर है। वे क्रोध में कालाग्नि के समान और क्षमा में पृथ्वी के सदृश है। त्याग में कुबेर और सत्य में द्वितीय धर्मराज के समान है। ये बहुत वर्णन सुंदर लग रहा है। इस श्लोक का भी मैं यहाँ पर गान करना चाहूंगा। विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत् प्रिय दर्शना, कालाग्नि सदृश क्रोधे शमया पृथ्वी समा, धन देन समस्त्यागे सत्य धर्म इवापर। अगले श्लोक। इस प्रकार उत्तम गुणों से युक्त और सत्य पराक्रम वाले सद्गुणशाली अपने प्रियतम ज्येष्ठ पुत्र को, जो प्रजा के हित में संलग्न रहने वाले थे, प्रजा वर्ग का हित करने की इच्छा से राजा दशरथ ने प्रेमवश युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहा। तदनंतर राम के राज्याभिषेक की तैयारियां देखकर रानी कैकेयी ने, जिसे पहले ही वर दिया जा चुका था, राजा से यह वर मांगा कि राम का निर्वासन और भरत का राज्याभिषेक हो। राजा दशरथ ने सत्य वचन के कारण धर्म बंधन में बंधकर प्यारे पुत्र राम को वनवास दे दिया। कैकेयी का प्रिय करने के लिए सीता की आज्ञा के अनुसार उनकी प्रतिज्ञा का पालन करते हुए वीर रामचंद्र वन को चले। तब सुमित्रा के आनंद बढ़ाने वाले विनयशील लक्ष्मण जी ने भी, जो अपने बड़े भाई राम को बहुत ही प्रिय थे, अपने सुबंधुत्व का परिचय देते हुए स्नेहवश वन को जाने वाले बंधुवर राम का अनुसरण किया। और जनक के कुल में उत्पन्न सीता भी
जो अवतीर्ण हुई देव माया की भांति सुंदरी समस्त शुभ लक्षणों से विभूषित स्त्रियों में उत्तम राम के प्राणों के समान प्रियतमा पत्नी तथा सदा ही पति का हित चाहने वाली थी रामचंद्र जी के पीछे चली, जैसे चंद्रमा के पीछे रोहिणी चलती है। उस समय पिता दशरथ और पूर्ववासी मनुष्यों ने दूर तक उनका अनुसरण किया। फिर शृंगवेरपुर में गंगा तट पर अपने प्रिय निषाद राज गुह के पास पहुंचकर धर्मात्मा श्री रामचंद्र जी ने सारथी को अयोध्या के लिए विदा कर दिया। निषाद राज गुह, लक्ष्मण और सीता के साथ राम, ये चारों एक वन से दूसरे वन में गए। मार्ग में बहुत जलों वाली अनेकों नदियों को पार करके भरद्वाज के आश्रम पहुंचे और गुह को वहीं छोड़ भरद्वाज मुनि की आज्ञा से चित्रकूट पर्वत पर गए। वहां वे तीनों देवता और गंधर्वों के समान सॉरी वहां वे तीनों देवता और गंधर्वों के समान वन में नाना प्रकार की लीला करते हुए एक रमणीय पर्णकुटी बनाकर उसमें सानंद रहने लगे। राम के चित्रकूट चले जाने पर पुत्र शोक से पीड़ित राजा दशरथ उस समय पुत्र के लिए उसका नाम ले लेकर विलाप करते हुए स्वर्गगामी हुए। उनके स्वर्गगमन के पश्चात वशिष्ठ आदि प्रमुख ब्राह्मणों द्वारा राज्य संचालन के लिए नियुक्त किए जाने पर भी महाबलशाली वीर भरत ने राज्य की कामना न करके पूज्य राम को प्रसन्न करने के लिए वन को ही प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर सद्भावना युक्त भरत जी ने अपने बड़े भाई सत्य पराक्रमी महात्मा राम से याचना की और यो कहा, धर्मज्ञ आप ही राजा हो। बड़े सुंदर यहाँ पर श्लोक है, कुछ श्लोक का हम यहाँ पर गान करेंगे। रामोपि परमोदार सुमुख सुमहायशा न चैचत पितुरादेशाद् राज्यम रामो महाबला पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततो भरतम भरताग्रज। परंतु महान यशस्वी परम उदार प्रसन्न मुख महाबली राम ने भी पिता के आदेश का पालन करते हुए राज्य की अभिलाषा न की और उन भरताग्रज ने राज्य के लिए न्यास यानी चिन्ह के रूप में अपनी खड़ाऊ यानी जो पादुका है वो भरत को देकर उन्हें बार बार आग्रह करके लौटा दिया। अपनी अपूर्ण इच्छा को लेकर ही भरत ने राम के चरणों का स्पर्श किया और राम के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए वे नंदीग्राम में राज्य करने लगे। भरत के लौट जाने पर सत्य प्रतिज्ञा जितेंद्रिय श्रीमान राम ने वहां पर पुनः नागरिक जनों का आना जाना देखकर उनसे बचने के लिए या उनसे दूर रहने के लिए एकाग्र भाव से दंडकारण्य में प्रवेश किया। तो इस प्रकार ये जो पहला अध्याय है बालकांड वो तो आज हम पूरा नहीं पढ़ पाए, कल उसको और आगे जारी रखेंगे, मगर इसमें हमें संक्षिप्त रूप से रामायण की कथा प्राप्त होती है। मैं आप सभी भक्तों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप अपना इतना अमूल्य समय निकाल कर श्री राम कथा सुनना चाहते हैं और उसके कारण मुझे भी आप सभी का एक सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। काफी वर्षों से मेरी इच्छा थी कि रामायण पढ़ू और उसकी कुछ चर्चा करूं, मगर आप सभी के कारण मुझे ये सुविधा प्राप्त हुई है। श्री वाल्मीकि ऋषि की जय, शिल प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, श्री रामायण की जय। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड शेयरिंग दिस वंडरफुल पास्ट टाइम ऑफ रामायण विद अस। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो हम कल दोबारा 10 बजे दोबारा मिलेंगे प्रभु जी। हाँ जरूर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।